हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी फैन क्लब में। शो फ्रेंड्स, मैं आप लोग बीच में एक बार फिर एक ऐसा सामान लेकर आया हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि कम पूंजी है, बहुत ही अच्छा बचत है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार बचत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आज मैं किस सामान पर बात करने वाला हूँ, किस प्रोडक्ट पर बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो एक कुकीज बेकरी कंपनी का कुकीज बिस्कुट देख रहे हैं, इसी कुकीज बिस्कुट पर आज हम लोग बात करेंगे कि ये कुकीज बिस्कुट कितने का गत्ता आता है, कितना गत्ते में कितना पीस होता है, कितने रुपये खरीदारी रेट पड़ता है एक पीस, मतलब एक पैकेट, और कितने का एक पैकेट होलसेल बेचोगे और होलसेल में बेचते हो तो कितने रुपये कमाओगे फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो लोग फुटकर में खरीद ले जाते हैं उन लोगों को कितनी बचत होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं इस कुकीज बिस्कुट पर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिस सामान पर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, मैं उस टाइप का वीडियो जल्दी जल्दी बना करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरी वीडियो को सोच लेकर अंत तक देखना फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बता सकूं कि इसमें कितना बचत होता है, कितना मुनाफा होता है कुकीज बिस्कुट में फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले थे इसी कुकीज बिस्कुट पर, जो आप लोग बेकरी कंपनी का कुकीज बिस्कुट देख रहे हैं, इसी कुकीज बिस्कुट बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में मार्केट में हर जगह ही बहुत जगह पता किया, तो मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छा सेल है फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे बिस्कुट इस बिस्कुट के आगे फेल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि अगर मार्केट में इतना अच्छी सेलिंग हो रही है तो भाई जो लोग नहीं बेच रहे हैं उनको एक बार बताना चाहिए, शायद वो बेचें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार ऐसे ही सामान लेकर के आऊँ ताकि आप लोग अपनी दुकान में रख करके बेच करके अच्छी खासी बचत कर सको फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग बता दूं कि एक कुकीज बिस्कुट बेकरी कंपनी का कुकीज बिस्कुट है, ये कितने रुपये गत्ता आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक गत्ता हम लोगों को 1000 रुपये गत्ता मिल जाएगा, जिस एक गत्ते में फ्रेंड्स 40 पीस होता है, ऐसा ऐसा पैकेट 40 पैकेट होता है एक गत्ते में, और एक गत्ता हम लोगों को 1000 मिल जाता है, ठीक है। 1000 मिल जाएगा और 40 ऐसा ऐसा पैकेट 40 पैकेट होता है उस गत्ते में फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग होलसेल में लेते हो तो आप लोगों को एक पैकेट आप लोगों को 25 रुपये में पड़ जाएगा, गत्ता अगर लेते हो तब, गत्ते के पीछे एक पैकेट जो है ऐसा पैकेट, एक पैकेट 25 रुपये में पड़ जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आप इसमें 40 पीस होता है, 40 पीस होता है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, आप लोग देख सकते हो जिसमें 40 पीस होता है। और फ्रेंड्स, कुकीज कंपनी का, बेकरी कंपनी का कुकीज बिस्कुट है फ्रेंड्स, बहुत शानदार बिस्कुट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, 25 रुपये का एक पैकेट 25 रुपये पड़ेगा, जिसमें फ्रेंड्स 40 पीस होता है, 1 रुपये का एक बिकता है फुटकर में फ्रेंड्स, अगर आप लोग बेचते हो तो 1 रुपये में एक बिकता है, 40 पीस होता है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप लोग थोक रेट में, थोक रेट दुकानदार को देते हो तो आप लोग कितने में दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बेकरी कंपनी का कुकीज बिस्कुट जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोग थोक रेट में बेचना चाहते हो, होलसेलर दुकानदार को बेचना चाहते हो, जो कि फ्रेंड्स ले जा करके मैं दुकान में रख करके एक पीस दो पीस बेचते हो इसमें से निकाल करके, ठीक है, तो उन लोगों को बेचना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप लोग 30 रुपये में बेच दोगे फ्रेंड्स, 5 रुपये मुनाफा लेकर के 30 रुपये में बेच दोगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग 30 रुपये में बेच देते हो तो फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स 30 रुपये फुटकर दुकानदार का पूंजी है और फ्रेंड्स 40 पीस होता है, 10 रुपये उन लोगों का बचत होता है फ्रेंड्स, एक पैकेट बेच देते हैं अगर फुटकर दुकानदार तो एक पैकेट के पीछे 10 रुपये कमाएंगे बड़ी ही आसानी से फ्रेंड्स, ठीक है। बिना कहीं गए घर बैठे आप लोग 10 रुपये कमा सकते हो पर पैकेट के पीछे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग छोटे दुकानदार हो, ठीक है, जो कि होलसेल में आप लोग 30 रुपये में पैकेट खरीद के ले जा रहे हो अपने दुकान में रख करके बेचने के लिए पीस बाय पीस, तो फ्रेंड्स 40 पीस हो रहा है, ठीक है, 30 रुपये आपका पूंजी है और 10 रुपये आपको मुनाफा है, कुल जोड़ के 40 रुपये हुआ आपका, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोग फुटकर दुकानदार को देते हो पीस पैकेट बाय पैकेट तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छी खासी बचत कर सकते हो, जो कि फ्रेंड्स जो अपने दुकान में रख करके पीस बाय पीस इसमें एक पैकेट खोल करके बेचते हैं, अगर आप लोग 25 पैकेट 30 पैकेट रोज बेच लेते हो 200-250 आप लोग कमाने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग बड़ी आसानी से 200-250 रुपया एक जगह बैठ के आप लोग कमा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। केवल ये फ्रेंड्स बेकरी कुकीज बिस्कुट है, बेकरी कुकीज बिस्कुट है, इसको बेच करके आप लोग कमा सकते हो 5 रुपया अगर आप लोग फुटकर दुकानदार को होलसेल रेट में देते हो, ठीक है, तो 5 रुपये आप लोग मुनाफा लेकर 30 रुपये में दोगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोग 5 रुपये मुनाफा लेकर 30 रुपये में दे रहे हो तो फ्रेंड्स वो फुटकर दुकानदार जो है ना, फुटकर दुकानदार जो मतलब दुकान में रख करके बेचेंगे वो फ्रेंड्स उन लोगों को 10 रुपये बचेगा, आप लोगों को 5 रुपये बचेगा, जो फुटकर में बेचेंगे उन लोगों को 10 रुपये बचेगा, फ्रेंड्स जो आप लोग होलसेल में बेच देते हो तो फ्रेंड्स आप लोगों को 5 रुपये मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोग गत्ता खरीद करके, अगर आप लोग गत्ता खरीद करके बेचते हो फ्रेंड्स, तो आप लोग 15 रुपये बड़ी ही आसानी से कमा लोगे फ्रेंड्स, और एक पैकेट के पीछे 15 रुपये कमा लेना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत ही कम बिस्कुट होता है जिसमें से 15-20 रुपये आप लोगों को बचता है फ्रेंड्स एक पैकेट बेचने पे। और फ्रेंड्स फुटकर में बेचा जाए तो 1 रुपये का एक बिस्कुट बिकता है, ठीक है, 1 रुपये का एक बिस्कुट बिकता है और फ्रेंड्स बहुत अच्छी खासी बचत है, तो आप लोग अपने दुकान में रख करके बेच सकते हो, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपके पास दुकान नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग अपने घर के साइकिल पे ही ला दो, ठीक है, साइकिल पे रख करके गांव बाई गांव घूम करके बेच दो, अगर आपके यहाँ बाजार लगती हो तो बाजार में पैकेट में पैकेट बेचो, ठीक है, ये नहीं कि एक पीस निकाल के दो पीस निकाल के बेचो, नहीं, पैकेट होलसेल में पैकेट बेच दो, ठीक है।
पैकेट को अगर आप लोग बेच दे तो 35 रुपये पैकेट बेचो, कम से कम 35 रुपये पैकेट बेचो। और फ्रेंड्स जब ग्राहक कम रेट में अच्छा बिस्कुट पाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप लोगों के यहाँ से खरीद के ले जाएंगे। बाजार में अगर जो पैकेट 35 रुपये पैकेट बेचते हो, ये पैकेट जो है 35 में बेच देते हो बाजार में फ्रेंड्स, तो आप लोग बहुत ही अच्छी खासी बचत कर लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ दुकान हो चाहे ना हो, लेकिन बाजार तो लगता होगा, छोटे मोटे चौराहा तो होता होगा, वहाँ पर आप लोग साइकिल पे लाद के ले जाओ और गिरा दो ढेर सारा बिस्कुट, और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा खासा आप लोग कमा लोगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए हो फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग दुकानदार हो तो मेरे वीडियो को खास कर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और जो लोग बेरोजगार हैं वो लोग तो और भी ज़्यादा खास करके सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उन लोगों को मैं बेरोजगारी दूर कर सकूँ फ्रेंड्स, और उन लोगों को कम पूंजी में बहुत ही अच्छी खासी बचत मैं बता सकूँ फ्रेंड्स, और वो अपना बेरोजगारी दूर कर सके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेहनत करके अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करो फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जिस भी सामान के बारे में जानना है, जिस भी सामान के बारे में रेट के बारे में जानना है, या जिस भी सामान को आप लोग चाहते हो कि मैं उस सामान के बारे में बताऊँ, तो फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी उस सामान के बारे में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।